सभी का इस 5 दिन के ऑनलाइन एफडीपी में स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है मोहित भैया? जी भैया, आ रही आवाज बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जी। तो 5 दिन के लिए हम लोग ऑनलाइन साथ में रहने वाले हैं। तो इस बेसिकली सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं उसको मैं शेयर कर लेता हूँ आप सबके साथ। और जो इस वर्कशॉप के थ्रू हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगर उसका एक शब्द में सेंट्रल उसकी थीम देखें तो बेसिकली हम लोग जीने को फोकस करेंगे, हम लोग लाइफ को फोकस करेंगे, एस्पेक्ट्स को समझने की बात है। लाइफ के कुछ बेसिक एस्पेक्ट जो हैं, जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग सीधा सीधा समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कुछ स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है, पहले तो हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हर एक आदमी की, हर एक ह्यूमन बीइंग की फंडामेंटल चाहना क्या है, मूलभूत चाहना क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम सब चाहते क्या है। ये सोच जो भी कुछ हम करते हैं सुबह से लेके रात तक, और रात को सोते समय, और फिर अगले दिन उठ के जो पूरा दिन हम करते हैं, तो मूलभूत चाहना, किस मूलभूत चाहना की पूर्ति के लिए हम ये सब करते हैं, इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे, एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। फिर एक बार हम इस चाहना को समझ जाएं, तो फिर हम ये प्रयास करेंगे कि हम इस चाहना को पूरा कैसे कर सकते हैं। क्या इस मूलभूत चाहना को, इस फंडामेंटल एस्पिरेशन को, इस बेसिक एस्पिरेशन को पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसको भी समझने का एफर्ट होगा। और अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट की बहुत बात हो रही है, डेवलपमेंट होना जरूरी है, डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि समझने का प्रयास करेंगे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है क्या, है ना। और हम सब लोग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, शिक्षा के काम में कई सालों से लगे हुए हैं अपने अपने एरिया में, तो हम लोगों का रोल क्या है इस होलिस्टिक डेवलपमेंट को समझ के एंश्योर करने में, हमारा रोल क्या है। तो बेसिकली 4 इशू पे बात करने वाले हैं। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है, और उस बेसिक एस्पिरेशन को पूरा कैसे किया जा सकता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, और उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को एंश्योर करने में शिक्षक की भूमिका क्या है, टीचर्स का रोल क्या है। तो रजनीश जी ने भी ये बात की थी। तो अगर हम लोग ठीक से देखें, हम सब एक सुंदर समाज की, एक मानवीय समाज की, एक मानवीय व्यवस्था की चाहना करते ही हैं। हम सबको ये लगता ही है कि एक समाज अच्छा समाज हो, एक बेहतर समाज हो, एक सुंदर समाज हो, जिसमें सब लोग मिलजुल के रह सकें, खुश होकर जी सकें, दूसरे लोगों के साथ भी ठीक हेलो ठीक जी सकें। जी, मेरी आवाज आ रही है मोहित भैया? आ रही जी है सर भैया, आवाज। एकदम ठीक आ रही है जी, कंटिन्यू करिए। जी, तो कैसे हम लोग दूसरे मनुष्यों के साथ भी ठीक से जी सकते हैं, और कैसे इस नेचर के साथ भी ठीक से जी सकते हैं। तो हम एक ऐसा मानवीय बेहतर समाज चाहते हैं। इसकी अगर मूलभूत, इसके आ, आ, स्टार्टिंग पॉइंट को देखने जाए तो मानवीय शिक्षा संस्कार से इसका एक मानवीय, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि मानवीय शिक्षा संस्कार को अगर हम सुनिश्चित कर दें, मानवीय शिक्षा संस्कार को अगर हम इंश्योर कर दें, तो मानवीय दृष्टि का उदय हो सकता है। तो मानवीय दृष्टि का मतलब ये है, मानवीय शिक्षा संस्कार के तहत हर आदमी को, हर बच्चे को ये समझ में आ सकता है कि वो कौन है और उसके जीने का मकसद क्या है। उसको ये भी समझ में आ सकता है कि दूसरा मनुष्य कौन है और उसके जीने का मकसद क्या है ना। और फिर साथ साथ इस कुदरत के बारे में भी जो है, ये कुदरत क्या है, इस कुदरत के होने का पर्पस क्या है, उसको भी समझा जा सकता है। इस सब बात को मिला के कहा गया वर्ल्ड व्यू या परस्पेक्टिव, तो ह्यूमेन वर्ल्ड व्यू या परस्पेक्टिव। तो अगर शिक्षा संस्कार से हम इतना इंश्योर कर दें, तो उसके बाद एक एक बच्चा, एक एक विद्यार्थी जब बड़ा होता है, तो वो ये भी समझ पाता है कि अब मुझे इस सारे पूरे इस नेचर में, इस पूरी एग्जिस्टेंस में करना क्या है, दूसरे लोगों के साथ कैसे जीना है, इस कुदरत के साथ जीने का स्वरूप क्या है, इसको भी समझ सकता है। इतना अगर मानवीय दृष्टि और मानवीय मूल्यों को हम लोग बच्चे तक पहुंचा पाए, इन बच्चों को, इनको समझा पाए, उसके बाद जब बच्चा स्किल्स को एक्वायर करने जाता है, जब वो स्किल एजुकेशन लेने जाता है, तो स्किल्स के वैल्यूज के साथ जब स्किल्स गाइडेड होती हैं, तो ह्यूमन कंडक्ट को बच्चा इंश्योर कर पाता है कि बच्चा मानवीय आचरण पूर्वक कैसे जीना है, उसकी क्लैरिटी से जी पाता है। जब ये बच्चा मानवीय आचरण से कैसे जीना है, इसके साथ वो जीता है, तो फिर वो एक मानवीय समाज का हिस्सा हो जाता है, मानवीय समाज की सृजना में वो भागीदार हो जाता है। तो मानवीय समाज के लिए अगर स्टार्टिंग पॉइंट को देखने जाए तो मानवीय शिक्षा संस्कार दिखाई देता है। मानवीय शिक्षा संस्कार से मानवीय दृष्टि और मानवीय मूल्यों को
हम बच्चे तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके साथ जब स्किल देने का काम करते हैं तो बच्चा मानवीय आचरण से जीने को तैयार हो सकता है। एक एक शब्द की हम लोग डिटेल में जाएंगे, जस्ट कुछ मैं बात है ना शुरू करने के हिसाब से बात रख रहा हूँ। और जब वो बच्चा मानवीय दृष्टि के साथ तैयार होता है, मानवीय मूल्यों और हुनर के साथ तैयार होता है, तो मानवीय समाज की सृजना में वो भागीदार हो जाता है, हिस्सेदार हो जाता है। और अगर मूल्यों को समझने जाए तो मूल्यों के लिए जो गाइडलाइंस की बात की थी प्रोफेसर अरोड़ा ने, तो ये चार गाइडलाइन की बात की थी। एक तो मूल्य शिक्षा, जिसकी भी बात हो वो यूनिवर्सल हो, वो मेरे लिए भी ट्रू हो, अमेरिकन के लिए भी ट्रू हो, अफगानिस्तानी के लिए भी ट्रू हो, यूरोपियन के लिए भी ट्रू हो, जर्मन के लिए भी ट्रू हो, सभी के लिए ट्रू हो, फिर हर टाइम में ट्रू हो, 100 साल पहले भी ट्रू हो, अभी भी ट्रू हो, और 500 साल 1000 साल बाद भी ट्रू हो, है ना। तो सब लोगों के लिए ट्रू हो, हर प्लेस के लिए ट्रू हो, है ना, और हर टाइम के लिए ट्रू हो, वो यूनिवर्सल होगा। उसके बाद बच्चा रैशनली भी उस बात को समझ सके, लॉजिकली भी उस बात को देख सके, लॉजिकली वो बात ठीक लगती या नहीं लगती इसको वो अपने अंदर लॉजिक के बेसिस पे देख सके। फिर इसके साथ साथ यही बात वेरीफाई भी कर सके, सिर्फ तर्क के लेवल पे उसको अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे देख ले, लेकिन अगर वो अपने अंदर वेरीफाई ना कर पाए तो भी बात पूरी नहीं पड़ेगी, तो वो वेरिफिकेशन भी कर सके कि हाँ लॉजिक के लेवल पे तो ये ठीक लगता है बट ये बात है भी ठीक, तो एक वेरिफिकेशन का काम भी कर सके, सेल्फ वेरिफिकेशन का काम कर सके। और मूल्य शिक्षा की बात का मतलब इतना सार रूप में इतना है कि वो हम सबको हार्मनी की तरफ लेकर जाए। फाइनली उसका सार ये है कि हार्मनी में हम जी सकें सब लोग मिलके, तो हार्मनी की तरफ लेके जाए। ऐसी स्किल्स जब इन वैल्यूज से गाइडेड होती हैं, तो ऐसी स्किल एजुकेशन जब इस वैल्यू एजुकेशन से गाइडेड होती है तो बात कॉम्प्लीमेंट होती है, तो बात पूरी पड़ती है। तो दोनों की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत भी है और वैल्यूज की भी जरूरत है, दोनों की कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। और इतने के साथ जब बच्चा तैयार होता है तो वह एक जस्ट फुल समाज और एक इक्विटेबल समाज की सृजना में भागीदार हो पाता है। तो इतनी बात है ना हम लोग कर रहे हैं इस सेशन में, पर्टिकुलरली ये करने वाले हैं कि एक तो मानव की मूलभूत चाहना क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उस चाहना की पूर्ति को कैसे कर सकते हैं, उस पूर्ति का है ना इसकी डिटेल को समझने का प्रयास करेंगे। फिर समग्र विकास क्या है, सर्वांगी विकास क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर शिक्षा की भूमिका क्या है, इस होलिस्टिक डेवलपमेंट को अचीव करने में एजुकेशन का रोल क्या है। इस पूरी इस सेशन में हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस 5 दिन की वर्कशॉप का कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है और साथ साथ प्रोसेस क्या है। तो अगर पूरे शिक्षा के सिस्टम को देखें तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक बात तो ये है कि शिक्षा का कंटेंट क्या है, शिक्षा की विषय वस्तु क्या है, बच्चों को परोसना क्या है। दूसरा मुद्दा ये है कि उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसकी पेडागॉजी क्या है, उसको कैसे परोसना है। तो कंटेंट क्या है इस पूरे वर्कशॉप का, उस पूरे वर्कशॉप का प्रोसेस क्या है, और क्या इस पूरी बात को समझने से एक्सपेक्टेड अचीवमेंट्स हैं। तो इस सेशन में हम इन 5 मुद्दों पे बात करने वाले हैं, है ना। और एक बात और इम्पोर्टेंट ध्यान देने की है कि जितनी भी बात हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये आपके लिए एक प्रपोजल है, इसको मान नहीं लेना कि ये ठीक है, इसको ये भी नहीं मान लेना कि ये गलत है, है ना, उसको वेरीफाई करना है, अपने बेसिस पे वेरीफाई करना है। और अगर वेरीफाई करने का बेसिस हमारे अंदर है या नहीं है तो उसको अगर समझने जाएं तो उसका बेसिस है नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो जितनी भी बात यहाँ पे कही जाएगी उसको अपनी सहज स्वीकृति के आधार पे, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे जांच परख करने का प्रयास करना है। तो इसको अगर एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी टू बी इन रिलेशनशिप और टू बी इन अपोजिशन, सो क्या लगता है, हम रिलेशनशिप में जीना चाहते हैं या हम अपोजिशन में जीना चाहते हैं? तो एक स्वाभाविक सा उत्तर हमारे अंदर आता है कि हम तो रिलेशनशिप से जीना चाहते हैं। ये आंसर आया कहाँ से, ये आंसर आया हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस से। जब हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो हमको पता लगता है कि हम चाहते क्या है, है ना। तो ये बात पूछी कि क्या चाहते हैं, संबंध में जीना चाहते हैं या विरोध में जीना चाहते हैं, तो एक आंसर अंदर से आता है कि संबंध में जीना चाहते हैं। ये हमें किसी क्लास में नहीं पढ़ाया गया, इसके लिए हमारी कोई लैब में इंजेक्शन भी नहीं लगा जहाँ पे टेस्टिंग हुई और हमको ये पता लगा कि देखो हम तो संबंध में जीना चाहते हैं। बट जब हम अपने अंदर झांकते हैं, जब हम अपने अंदर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप में हमको पता लगता है कि हमारी चाहना क्या है। तो चाहना तो रिलेशनशिप में जीने की है ना। और अगर इस पूरी बात को देखें तो ये डायलॉग के फॉर्म में कर रहे हैं, और ये डायलॉग के लिए शुरू शुरू में मैं और बाकी सब लोग, कुछ लोग फैसिलिटेशन का काम करेंगे।
हम इस डायलॉग को शुरू हो सके इसके लिए आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आप ये पाएंगे और कल तक या परसों तक आपको ये और इसका क्लियर एक है ना एहसास होगा कि ये डायलॉग आपके अपने ही अंदर चलने लग गया है ना, वो डायलॉग आपके अपने अंदर ही शुरू होता है ना, तो इस बात को भी आप जो है देख पाएंगे। तो ये डायलॉग की प्रोसेस है। ये डायलॉग किसके बीच में हो रहा है? ये डायलॉग हो रहा है व्हाट यू आर एंड व्हाट यू नेचुरली वांट टू बी, व्हाट यू रियली वांट टू बी। सो व्हाट यू रियली वांट टू बी इज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा व्हाट डू यू रियली वांट टू बी इन रिलेशनशिप और टू बी इन अ पोजीशन, व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू टू बी इन रिलेशनशिप और टू बी इन अ पोजीशन। तो स्वाभाविक आंसर ये आता है कि हम तो रिलेशनशिप में जीना चाहते हैं, यही हमारा वांट टू बी है, यही हमारा रियली वांट टू बी है, यही हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। इसके अवज में अगर ये देखने जाएं कि व्हाट आई एम और व्हाट यू आर, सो व्हाट यू आर का मतलब क्या है? तो व्हाट यू आर ये है कि जो भी मेरा अभी का करंट का संस्कार है, जो भी मेरा अभी का इमेजिनेशन है, चाहता मैं क्या हूं वो एक अलग बात है, करंट में मेरे विचारों में चलता क्या है वो एक अलग बात है, चाहता मैं क्या हूँ वो अलग बात है, बट मेरी फीलिंग में क्या है वो एक अलग बात है। तो चाहता मैं क्या हूँ वो तो मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस हुई, लेकिन जो मेरा करंट का विचार है, जो मेरी करंट की फीलिंग है, वो मेरा व्हाट यू आर है या व्हाट आई एम है। तो चाहता क्या हूँ? रिलेशनशिप। लेकिन हमेशा मैं रिलेशनशिप का विचार करता हूँ ऐसा नहीं है, हमेशा मैं रिलेशनशिप की ही फीलिंग में जीता हूँ ऐसा नहीं है। चाहता मैं क्या हूँ? नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है? रिलेशनशिप। लेकिन व्हाट आई एम क्या है? सो समटाइम्स रिलेशनशिप बट समटाइम्स अपोजिशन ऑल्सो। तो कभी मैं रिस्पेक्ट की फीलिंग को सोचता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं डिसरिस्पेक्ट भी फुल भी हो जाता हूँ। तो इन दोनों के बीच में ही डायलॉग करना है कि हम चाहते क्या है और मेरे अंदर की करंट की सिचुएशन क्या है, मेरे अंदर की करंट की स्थिति क्या है, इन दोनों के बीच में डायलॉग करने की कोशिश करनी है ना। तो इतनी बात इसके साथ। और इस पूरी वर्कशॉप के अगर 5 दिन के पर्पस को देखें तो इसका एक पर्पस ये है कि ये जो डायलॉग है बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी और व्हाट इज योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, इन दोनों के बीच में डायलॉग एस्टैब्लिश हो जाए, डायलॉग एक्टिवेट हो जाए, डायलॉग इंटेंस हो जाए। अगर इतना काम हो गया, अगर हम इतने को करने में कामयाब हो गए, तो फिर इस वर्कशॉप का पर्पस पूरा होता है। इतना अगर पर्पस काम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्कशॉप सफल है। अब जो बात हो रही थी, जो पहली बात हमने यहाँ की कि हमारी बेसिक एस्पिरेशन क्या है, उसको समझने की कोशिश करें, तो उसको समझने के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। एक बार मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ आपके लिए और फिर हम उसको जो है रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या सुखी होना चाहते हैं, सो डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो इसको आप सोच सकते हैं, चाहते हैं या नहीं चाहते। डू यू वॉन्ट टू बी प्रॉस्पेरस, प्रोस्पेरिटी इज विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल फैसिलिटी। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब ये है कि जितनी आपकी अभी की नीड्स हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं, उनसे ज्यादा की अवेलेबिलिटी। तो प्रोस्पेरिटी चाहते हैं या नहीं चाहते। फिर तीसरा क्वेश्चन ये कि क्या चाहते हैं, कभी कभी सुखी होना चाहते हैं या सुख और समृद्धि की कंटिन्यूटी चाहते हैं। सो 3 क्वेश्चन है, डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, डू यू वॉन्ट टू बी प्रोस्पेरस और डू यू वॉन्ट दी कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। इसी बात को जो है वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो है आपको आपकी स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, तो इन तीनों का आंसर जो है आप जो आप आपको जो भी लगता है आप उसको सबमिट कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट आंसर करना नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो ये अपने अंदर इन क्वेश्चंस को लेके वो रिफ्लेक्शन करना है, जिसके बेसिस पे आपको अपनी मनोस्थिति का पता लग सके, आपको अपने अंदर की स्टेट का पता लग सके। तो जब आप ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इस क्वेश्चंस को हमने अपने अंदर अपने आप से पूछना है, वो जो डायलॉग इनिशिएट करना है ना, अपने आप से अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या हम सुखी होना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, उसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर आप ये भी देखें कि क्या प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी प्रोस्पेरस। फिर आप ये भी देखने का प्रयास करें कि हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी इसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं, है ना, क्या चाहते हैं हम, कभी कभी सुखी हों या हम हमेशा सुखी हों, है ना। हम हो पाते हैं हम नहीं हो पाते हैं, वो एक अलग क्वेश्चन है। अभी हम ये पूछ रहे हैं कि हम चाहते हैं, तो चाहना पे फोकस कीजिए,
डू यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो वॉन्ट पे फोकस करें कि हम सुखी होना चाहते हैं, हम प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, हम उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो उस पर फोकस करने का प्रयास करना है ना। हम हो पाते हैं, हम नहीं हो पाते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। हम हो भी सकते हैं, हम नो भी नहीं भी हो सकते, उसको भी हम आगे देखेंगे। बट अभी हमारा फोकस इस बात पे है कि हम क्या चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं नहीं चाहते। तो ये तीन बातें हैं, तीन प्रस्ताव क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, तो आप समय लेके इसको भरिए कि सुखी होना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं नहीं चाहते। तो इतनी तो बात सब लोग ही देख पाते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है हम सुखी होना चाहते ही हैं, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप ठीक से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल भी है बट ये बहुत प्रोफाउंड भी है, और इसकी जो प्रोफाउंडिटी है वो धीरे धीरे एज वी गो अलॉन्ग इट विल स्लो ग्रेजुअली अनफोल्ड बिफोर ईच वन ऑफ यू, है ना। बट ये क्वेश्चन जितना सिंपल भी है उतना ये मतलब पावरफुल भी है। तो ठीक से देखें कि हम सुखी होना चाहते हैं नहीं चाहते, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं नहीं चाहते, सुख और प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी चाहते हैं नहीं चाहते, है ना। तो ज्यादातर ये लोग कह पा रहे हैं कि वो सुखी होना चाहते हैं, तो लगभग 100% लोग ये देख पा रहे हैं। अब अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को देखें, व्हाट वी रियली आर, इसको देखें, सो आर वी हैप्पी, इसको देखिए। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने अंदर महसूस करके देखिए कि आप सुखी हैं, क्या आप सुखी हैं, क्या आप प्रोस्पेरस हैं, क्या आपके सुख और आपकी प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी है, है ना। अब ये करंट स्टेट के बारे में सोच रहे हैं। अब जब ये तीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, क्या हम सुखी हैं, क्या हम प्रोस्पेरस हैं, क्या हमारे सुख और हमारी प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी है, तो अब आप अपने बारे में अपने आप से पूछ रहे हैं कि आपका स्टेटस क्या है, क्या आप सुखी हैं, है ना। तो मैं आपके लिए और ये जो तीन क्वेश्चन हैं इसको भी एक बार वो कर देता हूँ पोल। तो आप अपने आप से ये पूछ के देखिए कि क्या आप सुखी हैं, क्या आप प्रोस्पेरस हैं, क्या आपके सुख और आपकी प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी है। सो क्या लगता है, इज देयर कंटिन्यूटी ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक से देखें तो ऐसा नहीं है कि हम सुखी नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हम प्रोस्पेरिटी महसूस नहीं करते, लेकिन हमारे साथ इशू क्या है, इश्यू यह है कि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। ऐसा भी नहीं है कभी सुखी नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा सुखी हो जाते हैं। कब हम कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी भी होते हैं, है ना। तो जैसे कभी घर में सुखी हैं तो कॉलेज में परेशान हो जाते हैं, कभी कॉलेज में और घर में सुखी हैं तो कोई और, है ना। हमें तो ये ठीक से देखने का प्रयास करें कि अभी आपका करंट का स्टेटस क्या है, आर यू हैप्पी, आर यू प्रोस्पेरस, और इज देयर कंटिन्यूटी ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, इसको देखने का प्रयास। ये आप अपने आप से पूछ रहे हैं। पहले आपने ये बात की थी कि कंटिन्यूटी चाहते हैं नहीं चाहते, तो उसमें तो 100% ये कह पा रहे थे कि हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। अब आप ठीक से देखें क्या आप कंटिन्यूसली हैप्पी हैं, क्या आप कंटिन्यूसली प्रॉस्पेरस हैं, इसको भी भरने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चंस बेसिकली आप अपने आप से ही पूछ रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं अपने आप से कि क्या आप सुखी हैं, क्या आपके सुख और प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी है, है ना। तो जितने भी ये स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं उसको बहुत ही धैर्य के साथ आप देखिए, पढ़िए, समझिए, है ना, और फिर उसका यहाँ पे आप अपना रिफ्लेक्शन शेयर कर सकते हैं। तो काफी लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी नहीं है, है ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी, तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी तो नहीं है। ठीक बात है, तो अच्छी बात है, ऑनेस्ट आप आंसर कर पा रहे हैं, है ना। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 37% लोग की जो है कंटिन्यूटी है। ठीक बात है, इसी को जो है बार बार हमको रिफ्लेक्ट करना है कि जो हम आंसर कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, हम लोग जितनी भी डिस्कशन करेंगे हम बढ़ेंगे तो आगे, बट हम बैक एंड फोर्थ भी चलते रहेंगे। बार बार हम लोग पुरानी बातों को रेफर करेंगे, दूसरे दिन हम सारी पहली बातों को भी रेफर करते रहेंगे, है ना। तो एक साइड तो हमने ये लिखा कि व्हाट वी रियली वांट टू बी, यानी हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। एक साइड हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा करंट का स्टेट क्या है ना। तो इन दोनों को देखने का प्रयास करें। तो क्या इन दोनों में गैप है, चाहते तो हम सुखी होना है, क्या हमारा करंट का स्टेट सुखी है कि नहीं है, इन दोनों में क्या गैप है। तो डिजायर हमारी एक बात है, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग एक दूसरी बात है।
वॉट वी रियली वॉन्ट टू बी एक बात है, वॉट वी रियली आर एक ऑल टूगेदर दूसरी बात है। सो इन दोनों में क्या कोई गैप है, और अगर गैप है तो उसका कारण क्या है, उसको समझने का प्रयास करना है। कि चाहते तो सुखी होना है लेकिन करंट का स्टेट यह है कि निरंतर सुखी नहीं है, तो वो गैप है कि नहीं है, तो गैप है, उस गैप का कारण क्या है, उसको समझने का प्रयास करना है ना। और फिर उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, उस गैप को फिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, और क्या लग रहा है जो कुछ भी कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक और नींद में भी, तो क्या लगता है उससे वो गैप फिल होता जा रहा है, या वो गैप समय बीतने के साथ साथ, उम्र बीतने के साथ साथ, लाइफ आगे बढ़ने के साथ साथ वो गैप बढ़ता जा रहा है ना। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, गैप है कि नहीं है चाहना में और होने में, और दूसरा उस गैप का कारण क्या है, और तीसरा वो गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है उसके लिए हम करके आ रहे हैं, और चौथा जो कर रहे हैं उससे गैप फिल हो रहा है समय के साथ है ना, या गैप वाइडर होता जा रहा है। इन सारे इश्यू को जो है हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे है ना, तो इसको भी देख सकते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट देखने की ये है कि चाहना हमने है ना एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी हमने अपना करंट का स्टेटस भी देखा कि हमारा करंट का स्टेटस क्या है। चाहते तो निरंतर सुख है, लेकिन अगर करंट के स्टेटस को देखें तो निरंतरता तो नहीं है कम से कम है ना। लेकिन अगर अपने एफर्ट को देखें तो एफर्ट क्या है, किस दिशा में एफर्ट कर रहे हैं, क्या हम सुख और प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम फिजिकल फैसिलिटी के एक्यूमुलेशन के काम में ही लगे हुए हैं है ना। तो ये बात देखना बहुत जरूरी है कि जो हम सुबह से लेकर रात तक एफर्ट कर रहे हैं और जो नींद में भी कर रहे हैं, क्या लगता है सुख की कंटिन्यूटी के लिए कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी की कंटिन्यूटी के लिए कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो है हम काम जो कर रहे हैं वो तो फिजिकल फैसिलिटी के लिए ही कर रहे हैं, या फिजिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के बारे में, या फिजिकल फैसिलिटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इस बात को भी जो है ना समझने का प्रयास करना है कि सुख के लिए ही काम कर रहे हैं एक्चुअली में, चाहते सुख हैं, करंट का स्टेट यह है कि कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन अगर अपने एफर्ट को देखें तो वो एफर्ट जो है वो निरंतर सुख के अर्थ में ही हो रहा है, या कहीं ना कहीं फिजिकल फैसिलिटी के अर्थ में हो रहा है। तो जैसे हम अपने कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम डेपुटेशन पे जा रहे हैं, है ना, हम जॉब्स चेंज कर रहे हैं, ये जितना भी कुछ काम हो रहा है, क्या लगता है ये निरंतर सुख के अर्थ में हो रहा है, या कहीं ना कहीं हमने एक अजम्पशन ये कर रखा है कि एक बार जो है पैसा आएगा तो उससे हैप्पीनेस भी इंश्योर हो जाएगी। इस बात को भी ना हमने ठीक से देखने का प्रयास करना है कि निरंतर सुख के लिए ही काम हो रहा है, या कहीं ना कहीं फिजिकल फैसिलिटी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, या फिजिकल फैसिलिटी को मल्टीप्लाई। तो आपकी स्क्रीन पे एक और रिफ्लेक्शन के लिए पॉइंट है, आप इसको ऑनेस्टली अपने लिए भरिए। ये आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पोल इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पोल के अंदर जो रिफ्लेक्शन के लिए बिंदु है, जो पॉइंट है, वो मेरे अपने लिए है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो पोल का आंसर से पहले लॉजिक के लेवल पे देखूंगा, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी किस दिशा में मैं चल रहा हूँ, किस दिशा में मेरा एफर्ट हो रहा है, सुबह से लेके रात तक मेरे विचारों का कंटेंट क्या रहता है, कि निरंतर सुख और प्रोस्पेरिटी हो जाए, निरंतर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी हो जाए, या कहीं ना कहीं हमारी इनकम बढ़ जाए, कहीं ना कहीं हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का रेट मल्टीप्लाई हो जाए, कहीं ना कहीं प्रमोशन हो जाए, जॉब और बेटर हो जाए, जॉब और सिक्योर हो जाए, रिसर्च पेपर लिखा जाए, पीएचडी पूरी हो जाए, ये जितना भी कुछ आप एफर्ट कर रहे हैं, ये जितना भी हम सब लोग मिलके एफर्ट कर रहे हैं, हमको इसको अपने लिए समझना है, हमको इसको अपने लिए देखना है कि ये सारे प्रयास निरंतर सुख की प्राप्ति के अर्थ में है, निरंतर सुख की उपलब्धि के अर्थ में है, या कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो है वो फिजिकल फैसिलिटी पे ही है, है ना। इसको समझने का प्रयास किया जाए, है ना। तो आप में से लोग, काफी लोग तो कह रहे हैं कि भाई निरंतर सुख के एफर्ट अर्थ में कर रहे हैं, तो काफी लोग ये कह रहे हैं जो है फिजिकल फैसिलिटी के एक्यूमुलेशन में, है ना। बट ये बात जो है हमको अपने लिए देखनी बहुत जरूरी है, है ना। या कहीं ना कहीं हमने ये मान रखा है कि एक बार पैसा आ गया रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो, तो इस बात को भी चेक करना जरूरी है कि एक बार कंफर्टेबल स्टेटस हो गया, एक बार फिजिकल फैसिलिटी पूरी हो गई, तो क्या लगता है उससे हैप्पीनेस फॉलो कर जाती है, है ना। या कहीं ना कहीं हमने ये एज्यूम ही किया हुआ है, और अगर हमने कहीं ना कहीं एज्यूम कर रखा है तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि पिछले 30 सालों में हमारे घर में जितना भी सुविधाएं पड़ी हैं, जैसे 30 साल में देखें तो पहले तो चूल्हे पे रोटी बनाते थे, आज माइक्रोवेव में बन रहा है खाना, है ना, या गैस पे बन रहा है। तो चूल्हे से लेके जो माइक्रोवेव तक की यात्रा हुई है, तो क्या लगता है
कि सुविधाएं बढ़ी हैं नहीं बढ़ी हैं, तो सुविधाएं तो बढ़ी हैं ये बात तो हम देख पाते हैं। हम ये भी देखने का प्रयास करें कि पिछले 30 सालों में हमारे जो सुख का लेवल है वो बढ़ा है, वो उतना ही है या वो कम हो गया है, इसको भी देखने का प्रयास किया जाए, है ना। इससे ये समझ में आएगा कि हमारे सुख का फिजिकल फैसिलिटी के एक्यूमुलेशन से कोई डायरेक्ट लेना देना है, या कहीं ना कहीं ये हमारा एजम्पशन हो सकता है, ये इस पूरी सोसाइटी का एजम्पशन हो सकता है, इस पूरे सिस्टम का एजम्पशन कहीं ना कहीं ये बन गया है कि एक बार पैसा आएगा रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो, हैप्पीनेस विल फॉलो, प्रोस्पेरिटी विल फॉलो, कंटिन्यूटी विल फॉलो, इसी को चेक करने की बात करनी है। तो निरंतर सुख के लिए ही काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं सुविधाओं के संग्रह करने में ही लगे हुए हैं। तो अगर पूरे समाज के बारे में देखना शुरू करें तो क्या लगता है समाज आज क्या लगता है, निरंतर सुख के अर्थ में लगा हुआ है या फिजिकल फैसिलिटी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, सुविधाओं को और इकट्ठा करने का ही काम हो रहा है। और अगर हम ठीक से देखें, हम अपने परिवारों में देखें, तो क्या लगता है हमारा परिवार पूरा सुख के अर्थ में, प्रोस्पेरिटी के अर्थ में ही गति कर रहा है या कहीं ना कहीं फोकस फिजिकल फैसिलिटी हो गया, और हमने जानबूझ के किया है ऐसा नहीं है, बट हमारी एक्सपोजर से, हमारी अपब्रिंगिंग से बहुत सारी ऐसी प्री कंडीशनिंग्स, मान्यताएं हमारे अंदर आ गई हैं जिनसे हमारा भी डायरेक्शन जो है वो फिजिकल फैसिलिटी के एक्यूमुलेशन की तरफ हो गया। तो इसको हम अपने लिए, है ना, देखें, और जितना ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन आप अपने लिए करेंगे उतना ज्यादा इसका लाभ मिलेगा, अपने को ही समझने में और हेल्प होगी, है ना। और हम ये भी प्रयास करें देखने का कि अगर हम फिजिकल फैसिलिटी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर तो हम निरंतर सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर उसमें ये देखना जरूरी है कि कंक्रीट एफर्ट क्या हो रहे हैं निरंतर सुख के लिए। फिजिकल फैसिलिटी के अक्यूमुलेशन के लिए तो कंक्रीट एफर्ट हो रहे हैं, जैसे PhD कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, API के लिए काम कर रहे हैं, है ना, ये सब हो ही सकता है। लेकिन हम निरंतर सुख को सुनिश्चित करने के लिए, निरंतर सुख को एंश्योर करने के लिए कंक्रीट एफर्ट क्या कर रहे हैं, है ना, उसको भी समझना जरूरी है। हम कह तो देते हैं कि भाई परिवार में समय लगा रहे हैं, फिर परिवार में भी जब समय लगा रहे हैं तो क्या लगता है निरंतर सुख की बात हो रही है, जैसे हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के जब रात को डिनर करते हैं तो क्या लगता है निरंतर कैसे हम एक दूसरे के साथ सुखी हों, कैसे मैं अपने परिवार के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, सास ससुर के साथ, दादा दादी के साथ सुखी हों, इसके अर्थ में हमारा डिस्कशन होता है, या कहीं ना कहीं इस बात में डिस्कशन हो रहा है कि अगला सामान कौन सा खरीदना है, तो छुट्टी होगी तो अगली बार गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना है, सर्दी की छुट्टियों में कहाँ जाना है, शादी का कार्ड आया हुआ है वहां पे कितना शगन देना है, कि दूसरे लोगों का कितना आया था हमको कितना देना है ना, इस तरह का डिस्कशन हो रहा है। या हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपने परिवार के लोगों के साथ ये बात भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई अगर हस्बैंड है या कोई वाइफ है तो अपने स्पाउस से वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए क्या आप मेरे जीने से संतुष्ट हैं, क्या आप मेरे जीने में कोई कमी देखते हैं जिसको मुझको इम्प्रूव करना है, क्या मैं एक एक हस्बैंड के रूप में, एक वाइफ के रूप में, एक बाप के रूप में, एक माँ के रूप में जिम्मेदारी से जी पा रहा हूँ नहीं जी पा रहा, है ना। इस तरह का अगर एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो हैप्पीनेस के लिए काम हो रहा है, लेकिन अगर दूसरा एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो वो उसमें देख सकते हैं कि निरंतर सुख के लिए ही काम हो रहा है या फिजिकल फैसिलिटी पे ही सारा सेंटर, है ना, बना हुआ है। और फिर निरंतर सुख के लिए हम कर क्या रहे हैं इसको भी समझने का प्रयास करना है। तो इतनी बात को जो अभी हुई है इसको ठीक से आप इसकी जांच परख करते रहें, है ना, और देखने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान में आती है कि अगर हम पशुओं को देखने जाएं, अगर हम एनिमल्स को देखने जाएं, तो जब भी एनिमल्स को सुविधा का अभाव होता है तो एनिमल परेशान होता है, लेकिन जब फिजिकल फैसिलिटी मिल जाए तो एनिमल आराम में आ जाता है। जैसे अगर पेट भर घास घास मिल जाए तो पशु आराम में आ जाता है, बैठ के जुगाली करता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखें तो ह्यूमन बीइंग को भी फिजिकल फैसिलिटी का जब लैक होता है तो ह्यूमन बीइंग अनकंफर्टेबल अनहैप्पी होता है। तो अगर हमने सब देख अपने को देखें, हम सुबह से नाश्ता करके बैठे हैं, अगर हमको आज नाश्ता ना मिले तो हम अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, हम अनहैप्पी हो सकते हैं। लेकिन जब हमको नाश्ता मिल जाता है, जब हमको फिजिकल फैसिलिटी जिसकी हमको चाहना है वो मिल जाती है, तो क्या लगता है हम उसको याद रखते हैं, उसको लेके खुश होते रहते हैं, या कई बार उसके बारे या ज्यादातर उसके बारे में भूल ही जाते हैं और 100 चीजें सोचने लगते हैं। इस बात को भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे उदाहरण के लिए आप ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्या लगता है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज इस बात पे खुश होते हैं कि वाह मजा आ गया, आज भी ब्रेकफास्ट मिल गया, है ना। इस बात को भी समझने का प्रयास करना है। लेकिन अगर इस बात को देखने का प्रयास करेंगे हमको अगर एक दिन खाना ना मिले तो बहुत बड़ा मुद्दा भी बन सकता है घर में, या कम से कम हमारे मनपसंद का खाना ना मिले तो मुद्दा बन सकता है। लेकिन हमको इतने सालों से मिल रहा है, क्या लगता है हम इस बात को कितना अप्रिशिएट कर पाते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करना है ना। तो इस बात पे भी जो है हमको ठीक से रिफ्लेक्ट करना है कि जो है
जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि उनके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। इस बात को रिफ्लेक्ट करना, इस बात को रिफ्लेक्ट करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन इस क्यों जरूरी है। जैसे हमको खाना खाने को मिल भी रहा है, हमको कपड़े पहनने को मिल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे अंदर इस बात का अप्रिसिएशन भी है कि जो इतना कुछ हो रहा है वो हमारे लिए हो ही रहा है ना। जैसे हमको खाना खाने को मिल ही रहा है ना, और इतने सालों से मिल रहा है, और तीनों टाइम मिल रहा है, दो टाइम की चाय, सारा कुछ मिल ही रहा है, कपड़े भी मिल ही रहे हैं, है ना। क्या लगता है इस बात की अवेयरनेस भी है कि नहीं है कि कपड़ा भी मिल ही रहा है। अगर यही कपड़ा हमको ही पैदा करना होता तो कितना बड़ा काम था, है ना। तो क्या लगता है, ठीक से देखें, हमको कपड़ा मिल रहा है पहनने के लिए सर्दी गर्मी बारिश के हिसाब से, इस बात की अवेयरनेस, इस बात का एक्नोलेजमेंट, इस बात का अप्रिसिएशन है या नहीं है। इस बात की अवेयरनेस, इस बात का एक्नोलेजमेंट, अप्रिसिएशन होना जरूरी है नहीं जरूरी, इस बात को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ना मिले तो मुद्दा होता ही है ना। और ये भी देखने का प्रयास करें कि हमको ये भी पता है कि हमको एक साल में कितने जोड़ी कपड़े की जरूरत है। इस बात को भी समझने का प्रयास करना कि कितने जोड़ी एक साल में चाहिए, उसको भी गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, गिनने की जरूरत है कि नहीं है, है ना। मुद्दा ये नहीं है कि उसको लिमिट करना है, कम करना है, लेकिन कम से कम ये पता तो हो कि हमको कितना चाहिए। तो अगर सर्दी गर्मी बारिश के हिसाब से देखें तो क्या लगता है कितने कपड़े की आवश्यकता है, कितने कपड़े, कितने जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है ना। क्या हम उसको गिन सकते हैं, क्या हम उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, क्या हमको ये पता है कि हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। जैसे कितने लोग हैं उनको ये पता है कि उनके पास अलमारी में और पेटी में कितने जोड़ी कपड़े हैं, है ना। फिर उसके बाद ये भी सोचने का प्रयास करें कि इतने कपड़े हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है, फिर भी जब अगली बार जब शादी का कार्ड आता है तो हमको ये क्यों लगता रहता है कि कपड़े नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम कपड़े की नीड के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कपड़े का, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई जिस पार्टी में जाना है उसमें आना किसने है, तो कई बार दूसरों के हिसाब से भी कर रहे हैं, है ना। तो इस बात को भी जो है ना ध्यान में रखना जरूरी है। तो आपकी स्क्रीन पे जो है काफी लोग ये कह रहे हैं कि उनको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है ना। तो इस बात को भी देखना शुरू करें। तो जब हमको कुछ नहीं मिलता तो उससे हमको प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हमको इतना इतना कुछ मिल रहा है उसके क्या अप्रिसिएशन भी है, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भी है ना। तो ये भी समझना जरूरी है कि फिजिकल फैसिलिटी तो जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन क्या सुविधा के साथ साथ कुछ और भी जरूरी है नहीं जरूरी, इसको भी समझने का प्रयास किया जाए, है ना। अगर ठीक से देखें तो हमारे परिवारों में ज्यादा दुख जो है वो किस कारण से ज्यादा है, फिजिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही इस कारण से दुख है ज्यादा, या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का लैक है, और जो रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ फीलिंग है उनका लैक है, इसको भी समझने का एफर्ट करना। तो क्या लगता है, रिलेशनशिप का लैक ज्यादा है, रिलेशनशिप में जो फीलिंग की एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से उसका लैग ज्यादा है, या कहीं ना कहीं फिजिकल फैसिलिटी का लैग है। क्या लगता है, खाने को नहीं मिल रहा, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स नहीं है, या कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप में अगर उसको देखें तो उसका ज्यादा गैप है, वो पूरी नहीं हो रही, उस बात का ज्यादा दुख है। तो आप अपने परिवार के बारे में ये देखिए कि परिवारों में जो भी दुख है, कारण दोनों हो सकते हैं, फिजिकल फैसिलिटी का लैग भी कारण हो सकता है और जो है फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप ये भी लैक हो सकता है, बट मेजर रीजन क्या है इसको समझने का प्रयास करना, मेजर रीजन क्या है इसको देखें। जैसे बहुत सारे परिवारों में ये देखते हैं कि जो, और सब लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि एक बड़ा कारण तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप में, परिवार में जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उसका उसका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा, वो एक बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना मुश्किल से, इतने है ना मेहनत से, लगन से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और अगर आज के बच्चों को देखो तो इतने बच्चे ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है ना। उस माँ बाप के तो पैरों से है ना जमीन निकलने जैसी बात ये हो गई है। जबकि अगर ठीक से देखें, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो 2 किलो का पैदा होता है, 2.5 किलो का, 3 किलो का पैदा होता है, और उसको बड़ा करके 60, 65, 70 किलो का कर देते हैं, स्कूल कॉलेज दुनिया भर की बातें, अपना पेट काटते हैं, उसका पेट भरते हैं, अपनी इच्छाएं मारते हैं, उसकी इच्छाएं पूरा करते हैं, और वो कहता है कि जो है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। इसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के संबंध में देखें तो हस्बैंड एक बड़े अफसर बन गए है ना, और जो है एक ढंग से जी रहे हैं, इतने सारे लोगों को चलाते हैं, इतने बड़े सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो उनको जिस तरह से अपने परिवार से, बच्चों से, अपनी पत्नी से जिस तरह की फीलिंग की एक्सपेक्टेशन है वो कहीं फीलिंग नहीं मिलती। तो वही हस्बैंड ये कहता है पूरी दुनिया मान गई मुझे,
ना, लेकिन ये नहीं मानी। इसी तरह से वाइफ को देखें तो वाइफ ने, वाइफ के मन में क्या शिकायतें बनी हुई हैं। वाइफ को लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी इस परिवार के लिए, मैंने अपनी इच्छाओं को मारा इस परिवार के लिए, मैंने अपना करियर त्यागा, अपनी इच्छाओं को मारा, खुद भूखी रही, इसको इन परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन ये नहीं माने, ये सास नहीं मानी, ये हस्बैंड नहीं माना। तो क्या लगता है, मुद्दा फिजिकल फैसिलिटी है या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशन है उनको हम समझ नहीं पा रहे और फुलफिल नहीं कर पा रहे, इस बात को भी सोचा जाए ठीक से। अगर रिलेशनशिप मुद्दा है, मुद्दा दोनों हो सकता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप एक मेजर कारण है तो ठीक से देखें तो क्या एफर्ट हो रहा है आज के दिन। अगर हम अपने टाइम और एफर्ट के इन्वेस्टमेंट को देखें तो हमारा टाइम और एफर्ट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा कहाँ है, हम कहीं ना कहीं फिजिकल फैसिलिटी का एक्यूमुलेशन ज्यादा कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं या रिलेशनशिप को फुलफिल कैसे करना है, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस को समझना, एक्सपेक्टेशन को पूरा कैसे करना है, इसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे उस कारण से, लेकिन टाइम और एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं इस बात को भी समझना जरूरी है कि टाइम और एफर्ट तो जो है वो इस बात पे लगा रहे हैं कि फिजिकल फैसिलिटी और मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, इनकम और बढ़ जाए और बेटर प्रमोशन हो जाए। इस बात को भी समझने का प्रयास करना है कि प्रॉब्लम फिजिकल की है या प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है ना। लेकिन अगर जोर को देखें तो जोर कहाँ लगा रहे हैं, इस बात को भी समझने का प्रयास करना है। तो आप ठीक से देखिए आपका एफर्ट कहाँ है, आपके पूरी परिवार का एफर्ट फिजिकल फैसिलिटी के लिए ज्यादा है या रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा उसका, है ना, इस बात को भी समझने का एफर्ट किया जाए। तो आपकी स्क्रीन पे मैं ये पोल शुरू कर देता हूँ, आप ये देख पा रहे हैं। क्या लगता है, तो कहाँ एफर्ट हो रहा है, फिजिकल फैसिलिटी के लिए एफर्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए कारण। तो काफी लोग ये देख पा रहे हैं कि एफर्ट तो ज्यादा कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकल फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन समस्या ज्यादा कहाँ है, समस्या तो ज्यादा इस बात को लेके है कि हमारे अंदर जो रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, ज्यादा दुख तो हमको इस बात का होता है। हमको ये लगता है कि हमारे को सुना नहीं जाता, हमको ये लगता है कि कोई हमको मानता नहीं है, हमारे द्वारा किए गए एफर्ट को कोई एक्नोलेज नहीं करता, है ना, हमारा सम्मान नहीं होता, जितने का हम डिजर्व करते हैं वो नहीं हो पाता। प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, इस बात को भी समझने का प्रयास किया जाए कि प्रॉब्लम फिजिकल है या प्रॉब्लम रिलेशनशिप है ना, इस बात को भी ठीक से देखें। तो ये बात ध्यान में आती है इस निष्कर्ष तक, देखिए 60% लोग या ये कह पाते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी के लिए एफर्ट कर रहे हैं और प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो रिलेशनशिप में। तो ये उसी तरह की बात है, एक बार एक प्रोफेसर की अंगूठी खो गई और वो ढूंढ रहे थे, अकेले में वो अंगूठी ढूंढ नहीं पाए तो उनके कुछ फ्रेंड और साथ में आके ज्वाइन कर गए कि हम भी ढूंढवा देते हैं। तो क्या हुआ, ढूंढते ढूंढते जब रात हो गई तो जो जो है अंगूठी जब नहीं मिली तो एक एक फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें याद तो है प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, अंगूठी कहाँ गिरी, यहीं गिरी थी ना। तो उन्होंने कहा नहीं, अंगूठी तो तालाब में गिरी थी। तो उन्होंने बोला फिर हम यहीं क्यों ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ लाइट जल रही है। तो क्या है, प्रॉब्लम जो है वो तालाब में गिरी है लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, जो है लाइट के नीचे। तो लाइट के नीचे ढूंढने का मतलब इतना ही है कि प्रॉब्लम रिलेशनशिप की है लेकिन उसको कैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तो फिजिकल फैसिलिटी को मल्टीप्लाई करके, फिजिकल फैसिलिटी को एक्यूमुलेट करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है उससे पूरा हो जाएगा, जितना जितना पिछले 10-20 सालों में हमारे घर सुविधाएं बढ़ी हैं उसके हिसाब से संबंधों में जो तृप्ति है, संबंधों का जो सुख है वो बढ़ा है, वो उतना ही है या वो कम हो गया, इस बार भी देखा जाए। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आप है ना एक बार स्कैन करके देखिए, बच्चों के साथ माँ बाप का जो रिलेशन है, दादा दादी और पोतो पोती के बीच में जो रिलेशन है उसको स्कैन करके देखिए, सास बहू का रिलेशनशिप को स्कैन करके देखिए, तो संबंधों का सुख बढ़ा है, उतना ही है, कम हो गया। प्रॉब्लम रिलेशनशिप की ज्यादा है या प्रॉब्लम फिजिकल फैसिलिटी की ज्यादा है ना, ठीक से देखें तो ह्यूमन बींग के लिए दोनों जरूरी है, फिजिकल फैसिलिटी भी जरूरी है और रिलेशनशिप भी जरूरी है। एनिमल को भी देखें तो एनिमल के लिए भी फिजिकल फैसिलिटी जरूरी है और एनिमल के लिए, ह्यूमन बींग के लिए फिजिकल फैसिलिटी जरूरी है। लेकिन अगर ठीक से देखें सो फिर एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटी जरूरी भी है और कंप्लीट भी है, एडिक्वेट भी है, लेकिन अगर ह्यूमन बींग के लिए देखने जाएं तो फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी तो है पर वो एडिक्वेट नहीं है, है ना। जैसे हमने देखा कि फिजिकल फैसिलिटी जब पूरी हो भी जाए तो हम हजारों हजारों चीजें और सोचने लगते हैं, बहुत सारे विचार फैलाने लगते हैं, लेकिन अगर आप अगर एनिमल को देखने जाएं तो एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी है और एडिक्वेट भी है,
एक बार अगर फिजिकल फैसिलिटी एड्रेस हो जाए तो उसका काम चल जाता है, उससे ज्यादा की उसको जरूरत नहीं है ना। आप इसको देख सकते हैं, तो एक बार गाय को अगर चारा मिल जाए, जब गां नू पट्ठे पा दिए है ना, गां आराम नाल बह के जुगाली कर दिया, वो आराम चाह जाती है। अगर हम लोग एक बार गाय के सामने चारा डाल दे, गाय बैठ के जुगाली करती रहती है, गाय को ये टेंशन नहीं होती कि पड़ोसी जो है वो तो मारुति स्विफ्ट ले आया और हम अभी ऑल्टो ही चला रहे हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बींग को देखें तो ह्यूमन बींग को जब खाने का काम पूरा हो जाता है ना, बाकी सारी समस्याएं तो उसके बाद ही शुरू होती हैं। खाना पीना फिजिकल फैसिलिटी मुद्दा नहीं है, रिलेशन भी आदमी की नीड है। हम रिलेशनशिप की नीड को तो पहचानते हैं, लेकिन क्या है, रिलेशनशिप की नीड को भी पूरा करने के लिए कुछ क्लैरिटी की जरूरत भी है। हम रोज रोज कसम खाते हैं कि हम रिलेशनशिप में ठीक से जीना चाहते हैं, लेकिन क्या है, रिलेशनशिप की क्लैरिटी ना होने के कारण बार बार परिवारों में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, मन मुटाव होता रहता है ना। फैमिली में, रिलेशनशिप में, कुलीग्स के साथ भी अगर देखें, कुलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कई बार बाजार में भी क्या होता है, हर बार कसम खाते हैं कि परिवारों में ठीक जीना है, कॉलेज में ठीक जीना है, तो लेकिन बार बार वो झगड़ा होता रहता है, और यही कसम खाते हैं कि सॉरी बोलते हैं, पैचअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन है ना कि आगे से झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, फिर जो है बार बार वो झगड़ा हो जाता है, उसका कारण क्या है? इसी कारण को आप देख सकते हैं कि परिवारों में एक दूसरे को लेके लोग खिंचते रहते हैं, रिएक्शंस होते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में रिएक्शंस होते रहते हैं, बच्चों के साथ माँ बाप का रिएक्शन होता रहता है, माँ बाप कुछ कह रहे हैं बच्चे सुनते नहीं है, माँ बाप कह रहे हैं खाना खा लो, वो गेम में लगे हुए हैं, है ना। फिर कई बार मन मुटाव इतने बढ़ जाते हैं कि हम कितने, कई बार तो कुछ घंटे तक, कई बार दिनों तक, कई बार महीनों तक अपने ही लोगों से नहीं बोलते, है ना, आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, डिबेट्स, और ये तो अब तो डाइवोर्स है ना। ये सब चीजें देखिए, ये समय बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। जितनी जितनी लिटरेसी बढ़ रही है, जितने जितने स्कूलों का, कॉलेजों का नंबर बढ़ रहा है, उसमें क्या लगता है, आपस में जो जीना है परिवारों में, कॉलेजों में, समाज में, वो आपस में जीना लोगों का आरामदायक होता जा रहा है या परेशानी वाला होता जा रहा है? ये डाइवोर्स जैसी समस्याएं, ये मनमुटाव जैसी समस्याएं, ये रिएक्शंस, ये डिबेट्स, ये समय बीतने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है ना। कॉलेजों का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, स्कूलों का नंबर भी बढ़ता जा रहा है, इतने स्कूल कॉलेजेस हो चुके हैं, उसके बाद भी ये समस्याएं बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? तो बढ़ रही है। इसका मतलब एजुकेशन हो रही है या लिटरेसी हो रही है? सिर्फ अंग्रेजी सिखा रहे हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, स्पेनिश सिखा रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, स्किल तो सिखा रहे हैं, लेकिन क्या उस परिवार में कैसे जीना है, जिस परिवार ने मुझे बड़ा किया, उस कॉलेज स्कूल के लोगों के साथ, टीचर्स के साथ कैसा मेरा व्यवहार हो, क्या बच्चे को हम ये भी बता रहे हैं? तो ये सब भी बातें समझने की बहुत जरूरी है। तो अपने क्लोज रिलेशनशिप में भी आप देखने की कोशिश कीजिए, परिवारों में रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, क्या एक दूसरे को देख के खुश भी होते हैं? जैसे परिवार में देखिए, जब परिवार का मुखिया या परिवार का जब मेंबर जॉब पे जाता है और जब शाम को आता है, तो क्या लगता है, बाकी परिवार के लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, सारे ही लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, या कभी कुछ लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, कभी कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये फिर आ गया, इससे अच्छा तो ये कॉलेज में ही है। हम अगर कॉलेज और परिवार के रिलेशन को देखें, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है, उनको लगता है कि परिवार से अच्छा तो कॉलेज ही है, परिवार इन्होंने तो दुखी कर रखा है, तो मैं कॉलेज में रहूं तो ज्यादा ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि कॉलेज में इतनी समस्याएं हैं, मैं तो अपने घर में ही रहूं, वही ज्यादा ठीक है। तो बहुत सारे लोग देखिए, शुक्रवार जब आता है तो शनिवार का इंतजार करते हैं कि शनिवार आएगा तो 2 दिन हम घर में रहेंगे, लेकिन कई बार अगर हम संबंध में नहीं जी पाए तो ऐसा लगता है वो 2 दिन भी जो है ना, वो 1 महीना हो गया, तो उसको लगता है इससे बढ़िया तो ये जो है छुट्टी 2 दिन के बदले 1 दिन की होया करे। तो ये ठीक से देखिए कि हमें जितना भी जीवन में दुख मिला है, क्या लगता है जिन लोगों को हम नहीं जानते हमने ज्यादा दुख उनसे पाया है, या कहीं ना कहीं हम अपने ही जिनको क्लोज रिलेशन है हम उनसे ही दुखी होते रहते हैं और उनको ही दुखी करते रहते हैं? इस बात को भी जो है ना, इसका भी एक आकलन करना जरूरी है। ये बात भी समझनी जरूरी है कि हम रोज रोज संबंधों में जीना तो चाहते हैं, हम रोज रोज पैचअप करते हैं, सॉरी बोलते हैं, लेकिन क्या लगता है फिर वो क्यों झगड़ा हो जाता है रात आते आते? इस बात को समझने का एफर्ट करना है ना। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, अगर हम ये कहें या एक बच्चा ये कहे स्कूल में कि बेंच पे खड़ा होकर कि मैडम मैं आज के बाद कसम खाता हूँ कि मैं 14 का पहाड़ा आंख बंद करके सुना दूंगा, एक सार में सुना दूंगा, क्या लगता है वो कसम खाने से 14-15 का पहाड़ा सुना देगा, या उसको 14-15 का टेबल सुनाने के लिए उसका नियम भी समझना जरूरी है? तो ठीक से देखें, वो टेबल सुनाने के लिए उस बच्चे को वो नियम भी समझ में आना चाहिए कि 14 का पहाड़े को बताने का नियम क्या है, 14 का पहाड़ा किस नियम से सजता है, 15-16 का पहाड़ा किस नियम से सजता है, सिर्फ कसम खाने से नहीं होता।
लेकिन अगर हम परिवारों में देखें, अगर हम रिलेशनशिप में जीना चाहते हैं, तो सिर्फ रिलेशनशिप को बना लेने से रिलेशनशिप को निभा लेंगे, या रिलेशनशिप को निभाने के लिए हमको रिलेशनशिप की समझ होनी भी जरूरी है। तो इस बात को भी समझना जरूरी है कि रिलेशनशिप को समझना भी जरूरी है। हम रिलेशनशिप के बारे में हम मानते क्या है, हमारी धारणा क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, अगर हम उसको समझने का प्रयास करें, हम इन तीनों क्वेश्चंस को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें कि हम रिलेशनशिप में या हारमनी में जीना चाहते हैं दूसरों के साथ, या हम अपोजिशन में जीना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया है लिविंग हैज टू बी नेसेसरीली इन अपोजिशन विद अदर्स बिकॉज देयर इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड चेक इफ यू फील हैप्पी लिविंग दिस वे। तो अगर ठीक से देखें तो इस बात को भी समझने का प्रयास करें कि क्या हमने ये अज्यूम तो नहीं कर लिया कि समाज में स्ट्रगल है, शेर हिरन को खा जाता है तो स्ट्रगल तो है ही। तो आप भी ठीक से देखें तो स्ट्रगल तो है ही, तो सर्वाइव तो वही करेगा जो फिट होगा, और हम भी कहीं ना कहीं फिट होने का प्रयास तो नहीं कर रहे। तो ठीक से देखें हम क्या मानते हैं। तो अभी तो एजम्पशन जो बन चुकी हैं वो तो एजम्पशन है ना, जो वाइड स्प्रेड एजम्पशन ही हैं, जो है ना परवेसिव एजम्पशन ये है कि जीवन में स्ट्रगल है, संघर्ष करना जरूरी है, सभी संघर्ष करते हैं तो मुझे संघर्ष करना है। लेकिन ठीक से देखें संघर्ष करना हमें सहज स्वीकार है? क्या हम स्ट्रगल करना चाहते हैं या हम हारमनी में जीना चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? परिवार में जिए तो घर्षण होता रहे है ना, या हारमनी में जिए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में स्ट्रगल चले, बच्चों के साथ स्ट्रगल चले, कोलीग्स के साथ, एचओटी के साथ स्ट्रगल चले, या नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ये है कि रिलेशनशिप में हारमनी हो, संबंधों में मधुरता हो, संबंधों में तृप्ति हो, संबंधों में म्यूचुअल हैप्पीनेस हो। क्या चाहते हैं? तो चाहते तो ये हैं कि संबंधों में मधुरता हो, संबंधों में हारमनी हो। लेकिन अगर अभी के स्टेटस को देखें और अगर हम अपने अजम्पशन को देखें तो लार्जली अजम्पशन ये बन चुका है कि जीवन में स्ट्रगल है और वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, और हम खुद भी फिट होने में लगे हुए हैं, और उस हम अपने बच्चों को भी स्ट्रगल के माहौल से निकाल के, मतलब आगे बढ़ा के, स्ट्रगल में कम्पीट करने को दे के, सिखा के, उसको भी हम फिटेस्ट बनाने में लगे हुए हैं, है ना। इस बात को देखना जरूरी है। और हम ठीक से देखें जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जब हमारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो वो बच्चा जो है आराम में रहता है या वो परेशान रहता है? इस बात को भी समझना जरूरी है। दूसरी बात, इस बात को भी समझना जरूरी है कि हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, कि हमारा कोई डेस्टिनेशन ही सफल हो 20 साल बाद, या हमारी 20 साल की जर्नी में भी एक सुखद यात्रा हो। इस बात को भी समझना जरूरी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि सुखी होने के लिए दुखी होना जरूरी है। इस बात को भी समझना जरूरी है कि दुखी होते होते क्या सुखी हो भी सकते हैं? इस बात को भी समझा जाए, इस बात को भी समझा जाए कि आप किसी एक क्षण में सुखी होना चाहते हैं या सुख की कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो अगर सुख की कंटिन्यूटी चाहते हैं तो कंक्लूड, तो डेस्टिनेशन पे सुखी होना तो जरूरी है, लेकिन क्या जर्नी भी सुखदाई हो या ना हो, इस बात पे भी ध्यान दिया जाए, है ना। तो अभी तो जो एजम्पशन है, एजम्पशन तो ये है कि स्ट्रगल है, लेकिन ये भी देखा जाए कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, नेचुरली क्या चाहते हैं? झगड़ा करना चाहते हैं, संघर्ष चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट चाहते हैं रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप हारमोनियस चाहते हैं? इस बात को समझने का प्रयास किया जाए। तो हमारा प्रेजेंट पर्सपेक्टिव तो ये है कि संघर्ष है, हमको भी संघर्ष में जीना है या जीना पड़ेगा, हम खुद भी संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही नारा बता रहे हैं कि संघर्ष करना है। हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि संघर्ष चाहते हैं करना या हारमनी में जीना चाहते हैं। तो अगर हमको ये लगता है कि समाज में संघर्ष है, तो संघर्ष के लिए ही हम लोगों को तैयार करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। अगर हमको समझ में आएगा कि हारमनी है, संघर्ष की जरूरत नहीं है, तो हम हारमनी के साथ जिएंगे। तो इसको भी देखें कि कॉलेजों में क्या प्रमोट किया जा रहा है, परिवारों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, समाज में प्रमोट क्या किया जा रहा है, और आपकी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो हारमनी में जीने की है या वो स्ट्रगल करके दुखी होने की है, और इस होप के साथ कि कभी हम फ्यूचर में 20 साल बाद सुखी होंगे। और जब 20 साल सुखी होने का समय आता है परिवार में, तो या तो बच्चे विदेश चले जाते हैं, है ना, या कोई और घटना घट जाती है, तो जीने की वो जगह ही खत्म हो जाती है। जैसे आप ठीक से देखें परिवारों में देखें, और पर्टिकुलरली अगर मैं पंजाब का एग्जांपल दूं, तो परिवार में माँ बाप ये कामना करते हैं कि हम 20 साल तक मेहनत करेंगे और हम उसके बाद सुखी होंगे। तो 20 साल लगा के वो अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, है ना, और सारी इच्छाएं मारते हैं कि बच्चा जो है विदेश में जाके, है ना, कुछ अच्छा बन जाए। वो बनाने के चक्कर में वो ऐसा उलझता है, वो ऐसी जगह पहुंचता है कि लौट के आना उसके लिए एक बहुत बड़ा जीवन का मकसद हो जाता है। और आज के दिन देखें तो इतने सारे परिवारों में अगर हालात देखें, इतने बड़े बड़े परिवारों से आज जगह ये आ गई है। पंजाब की बात, जहाँ पे मैं रहता हूँ कपूरथला में,
इस एरिया में तो मैं देखने जाता हूँ, जब बड़े बड़े शहरों में या गांवों में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इतने बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नीचे से ऊपर, और दो बुजुर्ग रह गए और कई बार एक कुत्ता भी है ना, उसके साथ जीना पड़ रहा है। तो क्या लगता है, चाहते तो संबंध है, लेकिन अगर हम संबंधों का नियम नहीं समझें तो संबंधों में जी पाएंगे? इसीलिए ये बात ध्यान में आती है, सिर्फ कसम खाने से, सिर्फ संबंध को बना लेने से संबंध में जी जाएंगे ऐसा नहीं। संबंध में जीने के लिए हमें संबंध के नियमों को समझना भी जरूरी है, रिलेशनशिप के नियमों को समझना भी जरूरी है। सो राइट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। सो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि हमको ह्यूमन बींग के बारे में, ह्यूमन बींग के रिलेशनशिप के बारे में ठीक ठीक क्लैरिटी हो जाए, ताकि हम रिलेशनशिप को फुलफिल कर पाए। हमको ये भी क्लैरिटी हो जाए कि कितनी फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, कितनी चाहिए और कैसे कमानी है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब इतना है कि रिलेशनशिप को भी समझें और फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता को भी समझें। तो ठीक से देखें तो तीन महत्वपूर्ण है ना आवश्यकताएं ध्यान में आती हैं। एक बात तो ये भी ध्यान में आती है कि रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी के लेवल पे जीने के लिए भी हमको समझ होनी जरूरी है। समझ होती है तो हम संबंधों को निभा भी पाते, बना भी पाते हैं और निभा भी पाते हैं। अगर समझ ही ना हो तो बना तो लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, है ना। तो राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत भी है, रिलेशनशिप की जरूरत भी है और फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत भी है। तो ह्यूमन बींग के लिए देखने जाएं तो ये तीनों जरूरी है, और अगर एनिमल के लिए देखने जाएं तो फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी भी है और एडिक्वेट भी है। इसी तरह से देखें, अब आप अगर अपने आप से पूछें, सही समझ, संबंध और सुविधा, ये तीनों की जरूरत है या तीनों में से किसी को छोड़ सकते हैं, है ना, इसको समझने का प्रयास करें। तो ठीक से देखें, समझ, संबंध और सुविधा। तो पहली बात यह है कि तीनों में से प्रायोरिटी क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग और फिजिकल फैसिलिटी, तीनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो ठीक से देखें, समझ होती है तो हम संबंधों को भी समझ पाते हैं, संबंधों में जी पाते हैं। समझ होती है तो हम ये भी देख पाते हैं कि कितना कमाना है, क्यों कमाना है, किसके लिए कमाना है, कैसे कमाना है, इसके आंसर भी समझ के साथ कर पाते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी, हमको इसको भी समझना जरूरी है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके तीन क्वेश्चंस ध्यान में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार देखने का प्रयास करें। क्या लगता है, पहले नंबर पे किसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, समझ को, संबंध को या सुविधा को, इसको देखें। दूसरे नंबर पे समझ, संबंध, सुविधा, तो ये देखें कि पहले नंबर पे क्या प्रायोरिटी है, दूसरे नंबर पे क्या प्रायोरिटी है, तीसरे नंबर पे क्या प्रायोरिटी है। तीनों की जरूरत है या नहीं है ये भी देख सकते हैं, तीनों में से कोई एक्स्ट्रा है उसको भी देख सकते हैं। अगर ये तीनों एंश्योर हो जाए तो इसके अलावा और क्या चाहिए उसको भी आप सोच सकते हैं, है ना। और फिर ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि आज के दिन क्या आप तीनों पे काम कर रहे हैं या ज्यादा फोकस फिजिकल पे हो गया है ना, इसको भी समझने का प्रयास करें। और अगर तीनों पे ही काम करना है तो तीनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, किसकी प्रायोरिटी पहले है, इसको भी देखने का प्रयास किया जाए। तो पहले तो तीन क्वेश्चन में पहले का नंबर क्या है, दूसरे का क्या है और तीसरे का क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करना है। तो ये बात तो ध्यान में आ गई कि पहले नंबर पे तो समझ जरूरी है, दूसरे पे संबंध जरूरी है और तीसरे पे सुविधा, ये बात ध्यान में आती है ना, ये जरूरी है। अगर प्रायोरिटी को देखने जाए तो प्रायोरिटी तो पहले राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ के साथ एक तो हमारे अंदर के कन्फ्लिक्ट शांत हो पाते हैं। ठीक बात है, बहुत बढ़िया, काफी लोग जो है बहुत ही अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं कि समझ जरूरी है सबसे पहले, और उसके बाद संबंध, और उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी। तो समझ होती है तो हमारे अंदर के कन्फ्लिक्ट शांत हो पाते हैं, हम अपने क्वेश्चंस रिजॉल्व कर पाते हैं। और ठीक से देखें, हम भले ही कितनी भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, बड़े ही हम कितनी संसारिक अचीवमेंट्स को ले लें, अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हमारे को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, अंदर ही अंदर हमको एंगेज करते रहते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा आगे, मेरे बच्चे कैसे मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, मेरा परिवार रहेगा नहीं रहेगा, हम परिवार में जिम्मेदारी से खुशनुमा तरीके से आगे जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे, है ना, इसी तरीके से मेरा करियर बना रहेगा या चला जाएगा, फिर बुढ़ापे में मेरा कोई साथ देगा नहीं देगा, है ना, मेरा जो है शरीर को लेके, जीवन मृत्यु को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस, रिस्पेक्ट को लेके बहुत सारे। तो अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ये सैकड़ों क्वेश्चंस हमारे को अंदर से ही डसते रहते हैं। तो एक बार अगर हम सही समझ का, राइट अंडरस्टैंडिंग का काम एंश्योर कर लें तो हम अपने हजारों हजारों कॉन्फ्लिक्ट को अपने अंदर ही रिजॉल्व कर सकते हैं और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की है ना जगह पे जी सकते हैं।
जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के आंसर खत्म हो, जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एक बार अपनी समझ पे काम कर लेते हैं, फिर ये दो नंबर पे रिलेशनशिप में कैसे जीना है उस पे भी काम कर पाते हैं, संबंधों को बना भी पाते हैं, और संबंधों को बनाने के साथ साथ संबंधों को निभाने की क्लैरिटी भी हमें रहती है। और जब एक और दो के साथ जीने जाते हैं तो उसका आउटकम आता है म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस का मतलब इतना ही है कि जब मैं राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जीता हूँ तो मैं खुद भी सुखी होता हूँ, और राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप के साथ जब मैं दूसरों के साथ जीने जाता हूँ तो उससे दूसरे भी सुखी होते हैं, लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, मैं अकेले अकेले सुखी होना चाहता हूँ या मैं साथ साथ सुखी होना चाहता हूँ, तो हम म्यूचुअल हैप्पीनेस चाहते हैं। इसी तरह से जब वन और टू के साथ हम फिजिकल फैसिलिटी के लेवल पे इंटरेक्ट करने जाते हैं तो मुझे क्यों कमाना है, मुझे कितना कमाना है, मुझे कैसे कमाना है, मुझे किसके लिए कमाना है, मुझे इन आंसर के क्वेश्चंस भी राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप की फीलिंग के साथ क्लियर होते हैं। अब अपने शहर का, अपने स्टेट का, अपने देश का अमीर आदमी बनने के लिए नहीं कमाता हूँ, अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमाता हूँ और प्रोस्पेरिटी की फीलिंग को अचीव करता हूँ, प्रोस्पेरिटी की बात को अचीव करता हूँ। और अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस भी यही है कि हम म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी चाहते हैं। अगर अपने से पूछें तो क्या चाहते हैं, पूरे स्टेट का धनी आदमी बनना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन दी कंट्री, और वी वॉन्ट टू बी प्रॉस्पेरस। तो अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखें दैट इज टू बी प्रॉस्पेरस, है ना। ये तो वन टू और थ्री के साथ जीने जाते हैं तो म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी के गोल को अचीव कर पाते हैं। अब अगर राइट अंडरस्टैंडिंग ना हो, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हमारे अंदर के कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाते, हमारे रिस्पेक्ट के इशू है ना, हमारे फ्यूचर के इशू, हमारे करियर के इशू है ना, हमारी लाइफ की सेटिस्फेक्शन के इशू, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के इशू, ये रिजॉल्व नहीं हो पाते। ये क्वेश्चन हमको अंदर ही अंदर हमको ऑक्यूपाई रखते हैं, हमको एंगेज रखते हैं, है ना। और रिलेशनशिप के बहुत सारे इस तरह के, जब राइट अंडरस्टैंडिंग का काम ही नहीं हुआ तो हम रिलेशनशिप बना तो लेते हैं लेकिन रिलेशनशिप में जी नहीं पाते। यही कारण है कि आज इतने सारे परिवार में देखने जाएं तो लड़के लड़कियां जो नई पीढ़ी है, ये संबंध को बनाना तो जानते हैं लेकिन क्या ये संबंधों को निभाना भी जानते हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है। बनाने पे तो बहुत फोकस है लेकिन क्या निभाना भी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आज ठीक से देखें तो 10 में से कितनी शादियां कामयाब हो पा रही हैं उसको भी समझा जाए, और उसका बड़ा रीजन क्या है, समझ के साथ संबंध बना रहे हैं या बिना समझ के संबंध बना रहे हैं। कभी इन्फेचुएशन से बनाते हैं, कभी अट्रैक्शन से बनाते हैं, कभी है ना किसी और दृष्टि से बनाते हैं। तो इस बात को भी देखा जाए, समझ के साथ संबंध बना रहे हैं या समझ के बिना संबंध बना रहे हैं। तो जब समझ नहीं होती तो संबंध भी हम मेंटेन नहीं कर पाते, संबंधों में तृप्ति से जी नहीं पाते। और जब समझ भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, तो फिर फिजिकल फैसिलिटी ही जीने का एकमात्र कार्यक्रम बन जाता है। तो फिर आदमी को ये भी नहीं पता होता उसको क्यों कमाना है, उसको ये भी नहीं पता होता उसको कितना कमाना है, तो उसको ये भी नहीं पता होता उसको कैसे कमाना है। तो अभी तो देखें सही और गलत का, जहां तक पैसा कमाने की बात है, नोशन ही खत्म होता जा रहा है। अब इस बात पे बात नहीं हो रही कि भाई कैसे कमाना है, अभी तो कुछ भी करके कमाना है। तो अगर बच्चों से पूछो कि कैसे कमाना है तो वो किसी भी विधि से कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे निकलना है, उनको अपना नाम कमाना है ना। उनको कोई प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना ऐसा नहीं है, उनको तो दुनिया में अपना नाम कमाना है। और नाम कमाने का जो तरीका है उनको एकमात्र यही दिखाई देता है कि सुविधा कमा के नंबर वन हो जाओ, क्योंकि समझ के बारे में तो काम हुआ नहीं इसलिए संबंध पे भी काम नहीं हो पाता। तो जीने का मकसद जो है ना सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी बन जाता है। इसका अगर आउटकम देखने जाएं समझ के एब्सेंस में, एक तो आदमी अंदर ही कन्फ्लिक्ट में जीता रहता है, क्वेश्चन ही अपने रिजॉल्व नहीं कर पाता है ना। और जब आदमी अपने अंदर ही ऑक्यूपाइड रहेगा तो क्या लगता है वो इंटरेक्शन में दूसरों के साथ हैप्पीली जी पाएगा? तो दूसरों के साथ भी संबंध में जी नहीं पाता, एक तो खुद दुखी रहता है और दूसरों को दुखी करता है। और राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप के एब्सेंस में फिजिकल फैसिलिटी का भी नहीं पता चलता, तो कमाता भी रहता है और उसके अंदर जो है दरिद्रता का भाव बना रहता है, उसको कभी भी एहसास नहीं हो पाता कि मेरी नीड से ज्यादा हो गया। तो ठीक से देखें आज करोड़ोंपति लोगों की संख्या, अरबोंपति लोगों की संख्या, एक तरफ तो ये बढ़ती जा रही है और एक तरफ से भुखमरी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों को, लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पहचान नहीं हो पाई सही समझ के साथ। कमाते तो जा रहे हैं लेकिन सेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी कभी भी नहीं आ रहा। तो हमारे देश में देखें ऐसे कितने परिवार होते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, बट जो कमाने के साथ जो प्रोस्पेरिटी की फीलिंग की एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो पा रही है ना। अगर ठीक से देखने जाएं तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब इतना है हम तीनों के साथ जी सकें, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी के साथ। तो जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी तीनों के साथ जी पाते हैं
उसका आउटकम ये होता है कि एक तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीते हैं, और जब हम रिलेशनशिप में जीने जाते हैं उसका आउटकम म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है। जब हम फिजिकल फैसिलिटी के लेवल पे जीने जाते हैं तो उसका आउटकम आता है म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी का मतलब है मेरे परिवार की भी प्रोस्पेरिटी, मेरे परिवार की भी खुशहाली और इस नेचर की भी खुशहाली। आज क्या हो गया है, हमारे घरों में तो सामान भरता जा रहा है लेकिन नेचर जो है वो नर्चर होती जा रही है या नेचर एक्सप्लॉइट होती जा रही है? तो नेचर तो एक्सप्लॉइट होती जा रही है। तो अगर अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को पूछें तो क्या चाहते हैं, नेचुरली हम क्या चाहते हैं, नेचर बनी रहे, नेचर को नर्चर कर पाएं या नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करें? तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो तो यही है कि हम नेचर का नर्चर करें, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो तो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो चाहना हमारी एक अलग बात है, लेकिन जो हमारा करना हो रहा है वो चाहना के डायरेक्शन में ना होके किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी, इन तीनों को इंश्योर कर दें तो हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जी सकते हैं। यानी हम लोग जो हैं खुद भी सुखी हो सकते हैं और दूसरे मनुष्यों के साथ भी सुखी हो सकते हैं और नेचर भी खुशहाल हो सकती है। सो इफ वी आर लिविंग विद ऑल थ्री, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी इन दिस प्रायोरिटी ऑर्डर, देन वी आर लिविंग विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन बींग्स कैन बी फुलफिल्ड, यानी बी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री। तो इन्हीं के बेसिस पे ही हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें समझ का पता भी ना हो, अगर हमें संबंधों का भी पता ना हो और सुविधा को ही फोकस करते रहे तो हमारा जीना जस्ट वैसे ही हो जाता है जैसे पशु जीता रहता है। उसको भी संबंध में बहुत उसकी नीड नहीं है, संबंध उसकी प्रायोरिटी नहीं है, उसने भी समझदार होना है उसकी प्रायोरिटी नहीं है। वो भी पशु फिजिकल के लिए जीता रहता है, उसको सिर ढकने की छत मिल जाए, उसको उसका चारा मिल जाए। तो अगर हम भी वैसा ही जी रहे हैं तो शरीर तो हमारे पास ह्यूमन का है लेकिन कॉन्शियसनेस हमारे पास फिजिकल जो है, कॉन्शियसनेस जो हमारे पास है वो एनिमल की है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है कि वो एनिमल कॉन्शियसनेस में जीना चाहते हैं या ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जीना चाहते हैं। सो इफ आवर लिविंग इज ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटी देन वी आर लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। एनिमल्स लिव ओनली विद फिजिकल फैसिलिटी एंड कैन बी फुलफिल्ड बाय दैट। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी अलोन। सो अगर ठीक से देखें, जब एनिमल कॉन्शियसनेस में जीता है इट इज फाइन, जब ह्यूमन बींग ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जीता है इट इज ऑल्सो फाइन, जब ह्यूमन बींग एनिमल कॉन्शियसनेस में जीता है देन इट इज नॉट फाइन। क्यों? क्योंकि जब एनिमल, जब शेर हिरन को खाता तो शेर गिल्ट में नहीं जाता है ना, वो हार्मनी पूर्वक ही सारा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, नेचर के लेवल पे जब हम बात करेंगे समझेंगे। लेकिन जब ह्यूमन बींग दूसरे मनुष्यों के साथ हार्मनी में जीता है तो वो सुखी होता है। लेकिन जब ह्यूमन बींग दूसरे मनुष्यों के साथ हार्मनी में नहीं जी पाता और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी को ही फोकस करता है, सो चाहना तो उसकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की है, शरीर तो उसका ह्यूमन का है, लेकिन जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो तो एनिमल की है। तो ठीक से देखें तो समाज में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र और सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। इसका मतलब ये है ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने को नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो खुद भी दुखी हैं और दरिद्र भी हैं और उनकी नीड बनी हुई है। और अगर ठीक से देखें ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सुविधा तो बहुत है लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप के एब्सेंस में दुखी हैं और भी समाज से छीना झपटी करने में और एक्यूमुलेशन करने के काम में लगे हुए हैं। सो हम एक नंबर की कैटेगरी में आते हैं या दो नंबर की कैटेगरी में आते हैं, इस बात को देख सकते हैं। एक तीसरे तरह के भी लोग भी हैं जिसका मतलब है हैविंग फिजिकल फैसिलिटी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। यानी फिजिकल फैसिलिटी भी पूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप के साथ भी वो जी पाते हैं, खुद भी सुखी होते हैं, दूसरों को भी सुखी करते हैं, खुद भी सुखी होते हैं, नेचर भी खुशहाल रहती है। तो हम इन तीनों में से कहाँ जीना चाहते हैं, पहले नंबर में जीना चाहते हैं, दूसरे में या तीसरे में? हैविंग फिजिकल फैसिलिटी बट अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, यहाँ जीना चाहते हैं, यहाँ पहुंचना चाहते हैं? या लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी बट अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, यहाँ पहुंचना चाहते हैं? या सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, यहाँ पहुंचना चाहते हैं? इस बात को समझने का प्रयास करना कि पहुंचना कहाँ चाहते हैं। तो मेजोरिटी ये देख पा रही है कि हम तो तीन में पहुंचना चाहते हैं। तो एक तो ये बात है, तो ये देखें कि पहुंचना कहाँ चाहते हैं और ठीक से देखें कि है कहाँ पे, आज के दिन हम है कहाँ। तो मेजोरिटी ये कह पा रही है कि हम तो तीन नंबर की कैटेगरी में पहुंचना चाहते हैं लेकिन आज के दिन हम है कहाँ, उस बात को देखें तो हम एक नंबर में खड़े हैं, हम दो में खड़े हैं या हम तीन में खड़े हैं, है ना, इस बात को भी समझा जाए। अगर पूरी दुनिया के लेवल पर देखने जाएं तो पूरी दुनिया में अगर जो प्रोडक्शन को देखने जाएं तो 6 गुना प्रोडक्शन हो रहा है हमारा,
तो धरती पे लोग कितने हैं? 700 करोड़। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो 6 गुना प्रोडक्शन आज के दिन भी ज्यादा हो रहा है। और अगर आप ठीक से देखें तो 1/3 प्रोडक्शन वेस्ट किया जा रहा है आज, है ना। और ये यूएन की रिपोर्ट है, ये बताती है कि ये जो अनाज वेस्ट हो रहा है ये 1300 करोड़ लोगों को फीड करने के लिए काफी है। तो क्या लगता है इस बात को देख के आपका इवैल्यूएशन क्या बनता है? ये जो हो रहा है इतना वेस्टेज, ये प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है या ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम, प्रोडक्शन तो पहली 6 गुना है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उन जगह पे ही अनाज नहीं पहुंचा पाते जिन लोगों के साथ हम अपना संबंध नहीं देख पाते। जिन लोगों के साथ हम अपना संबंध देख पाते हैं हम उन तक अनाज पहुंचा पाते हैं। तो जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, और जो राइट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं राइट एजुकेशन संस्कार की प्रॉब्लम है। अब इस बात को आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग को और फास्ट करना है, या समझ का भाव विकसित करना है, संबंध का भाव विकसित करना है, जिससे कि पहले ही जो 6 गुना अनाज पैदा हो रहा है एक एक आदमी तक, एक एक मनुष्य तक, एक एक मनुख तक वो पहुंच जाए, हमको उस काम को करना है। वो तो समझ और संबंध के भाव से हो सकता है। तो और टेक्नोलॉजी को और फास्ट करना है, और बड़ी टेक्नोलॉजी लगानी है, या फिर समझ और संबंध को विकसित करना है, राइट एजुकेशन को विकसित करना है, इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। तो एक बार क्या भैया, ये सीक्वेंस जो एनालिसिस में लाने की जरूरत है, बहुत बढ़िया चल रहा है जितने भैया। प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, और डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग जुडिशियस नहीं हो पा रहे हैं वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, और इन टर्न वो समझ की प्रॉब्लम है। ये पूरे सीक्वेंस को एनालिसिस में लाने की जरूरत है, लोग एनालिसिस कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छी चल रहा है। ध्यान से कितना दिलाना है भैया, 10 मिनट का टाइम हमारे पास है। और हाँ दीदी, मैं तो बस क्लोजर की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। हाँ, फिर 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे उसके बाद। बढ़िया 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 जी भैया जी। तो मैंने एक बार क्या किया, एक बार मैंने किसी एक इकोनॉमिस्ट से पूछा कि इतना अनाज जो है ये अनाज गोदामों में सड़ जाता है, तो सर आप लोग इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े लेवल पे पॉलिसी बनाते हैं, तो आप इस अनाज को गरीबों में बांट क्यों नहीं देते जिनके पास खाने को नहीं? एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, एक तरफ अनाज जो है सड़ रहा है। तो उन्होंने मेरे को कोई इकोनॉमिक का एक अपना कॉन्सेप्ट बताया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो जाएगी, कंट्री लेवल पे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो जाएगी, उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं इनकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला मैंने बोला कि भाई ये परचेजिंग पावर तो चूहे की भी नहीं है जो अनाज गोदाम में खा रहा है ना, जिस अनाज को, तो उसको क्यों खिला रहे हैं? उसकी भी तो परचेजिंग पावर नहीं है। तो उनको वो फिर आंसर नहीं दिया उन्होंने, वो चूहे को इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि उनको शराब बनानी है ना, या कोई और कारण भी हो सकता है। तो वो क्या कारण है एग्जैक्टली, उसको समझना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, इसको हम, या संबंध की प्रॉब्लम है, इसको देखा जाए। अब अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखें तो क्या लगता है, सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी को फोकस करना ही होलिस्टिक डेवलपमेंट है, या तीनों को फोकस करना होलिस्टिक डेवलपमेंट है? राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, रिलेशनशिप को डेवलप करना, और फिजिकल फैसिलिटी को डेवलप करना, ये तीनों को ही डेवलप करना है ना होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को हम जो है एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कर सकें। यानी कि हर बच्चा जो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी को फोकस कर रहा है, वो राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी तीनों की प्रायोरिटी को इसी ऑर्डर में फोकस कर सके, इस काम को एजुकेशन ने इंश्योर करना है। तो आप इस बात को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आप इसके, आप अपने रिफ्लेक्शन में ये बात देख सकते हैं कि क्या लगता है, ये डिजायरेबल है ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, या अनडिजायरेबल है, इस बात को भी आप देख सकते हैं, है ना। और अगर ये डिजायरेबल है तो क्या लगता है, हम इसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको देख सकते हैं, एफर्ट करने की जरूरत है या नहीं है, है ना। तो एफर्ट क्या है, क्या एफर्ट चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट को, है ना, इंश्योर करने के लिए एजुकेशन ने क्या करना है, उसको एक समझना काम है ना। तो ये आप देख ही पा रहे हैं, है ना, कि ये तो डिजायरेबल है ना। तो काफी लोग ये कह रहे हैं, शत प्रतिशत लोग ये कह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पोल में कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन में इशू आ गया, बट शत प्रतिशत ये कह पा रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस ये डिजायरेबल है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हर विद्यार्थी को, हर बालक को समझ, संबंध और सुविधा, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी, इन तीनों के साथ वो जी सके, इसके लिए तैयार करना है। सो द रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार इज टू इनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय वे ऑफ एंश्योरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस
टू लिव विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड डेफिनेट ह्यूमन कंटेंट, मतलब क्या कि शिक्षा संस्कार का ये रोल है कि हर विद्यार्थी में ये कॉम्पिटेंस विकसित कर सके कि वो डेफिनेट कंडक्ट के साथ जी सके, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जी सके, ये करना है। स्किल्स तो हम पहले से ही दे रहे हैं, जो काम इंश्योर करने वाला है वो क्या करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी चाइल्ड, कैपेसिटी टू लिव इन रिलेशनशिप विद एवरी ह्यूमन बींग, है ना, फिर द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, कि बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पहचान भी कर सके। अभी तो बच्चों से पूछो कि तुम्हें कितना कमाना है, तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मुझे कितना कमाना है, वो कहता है ये कौन डिसाइड कर सकता है, हमको तो करोड़ों कमाना है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे इसको भी देख सकते हैं। तो हमको बच्चे को उसकी नीड का आइडेंटिफिकेशन भी कराना है, फिर बच्चे को स्किल्स सिखानी है, फिर उसकी प्रैक्टिस करानी है कि बच्चा सस्टेनेबल प्रोडक्शन की तरफ जा सके, और जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा की वो अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सके ताकि प्रोस्पेरिटी की फीलिंग के साथ जी सके। तो ये तीन काम पे फोकस करना है, राइट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। आज के दिन ये हो रहा है तो ये मिसिंग दिखाई देता है, है ना, कितने सब्जेक्ट हम इस बात पे पढ़ा रहे हैं कि बच्चा सही समझ से युक्त हो जाए, इसको देख सकते हैं। फिर बच्चे की रिलेशनशिप में जीने की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है या जब जितना जितना वो पढ़ता जा रहा है उतना उतना रिलेशनशिप में जीने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो अभी तो देखें उसका एग्रेशन बढ़ता है, अभी तो देखें उसका गुस्सा बढ़ रहा है, उसकी दूसरे मनुष्यों के साथ जो रिलेट कर पाने की ताकत है वो ताकत कम हो गई है। अभी तो बहुत सारे माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि जब से ये कॉलेज में आया है ये हमको फोन ही नहीं करता, और ये तब फोन करता है जब फीस का टाइम आ जाता है। तो इस बात को भी हमने समझना जरूरी है कि क्या हम रिलेशनशिप में बच्चा जी सके, उसके माइंडसेट को भी हम बच्चे को डेवलप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, क्या बच्चे में कैपेसिटी हो रही है कि वो अपनी नीड का आइडेंटिफिकेशन कर सके, या लाखों करोड़ों अरबों की बात ही वो सोचता रहता है। और ठीक से देखें प्रोडक्शन का माइंडसेट भी है या प्रोडक्शन का माइंडसेट भी नहीं है। एक बार IIIT हैदराबाद में ये बात पूछी गई बच्चों से कि आपका बेसिक एस्पिरेशन क्या है, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि गुड जॉब। तो फिर टीचर ने पूछा कि गुड जॉब का मतलब क्या है, तो उसने बोला जॉब सेटिस्फेक्शन। तो एक शब्द के बाद बच्चे दूसरा शब्द बोलते हैं, फिर पूछा कि जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, तो बच्चों ने बोला, एक बच्चे ने खड़ा होकर बोला कि हाई पैकेज, दूसरा बोला इफ पॉसिबल नो वर्क। तो अभी तो देखें बच्चा हाई पैकेज तो चाह रहा है लेकिन नो वर्क भी चाह रहा है, तो काम ना करना पड़े। तो अभी तो इस तरह की मानसिकता को जो है हम परोस रहे हैं। तो अगर ठीक से देखें तो हमको करना क्या है, हमको इस ह्यूमन एजुकेशन को इंश्योर करना है। एक बार अगर हम ह्यूमन एजुकेशन को इंश्योर कर दें जिससे कि हम बच्चे के ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डेवलप कर सकें, यानी बच्चे की चेतना को डेवलप कर सकें, है ना, एक बार चेतना को डेवलप हो पाती है तो बच्चा जो है अपने में भी समझ के साथ जीता है और दूसरों के साथ भी कैसे जीना है उसको भी समझ पाता है, और फिर जो है ह्यूमन कंडक्ट को भी इंश्योर कर पाता है और ह्यूमन सोसाइटी के लिए हिस्सेदार हो जाता है। तो इतना जो काम है ये इसको ये करने वाला काम है। तो अगर इस पूरे वर्कशॉप का कंटेंट देखें तो इस पूरे वर्कशॉप का कंटेंट कितना है, तो इस पूरे वर्कशॉप का कंटेंट इतना है कि राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब इतना है कि जितना भी एक ह्यूमन बीइंग के जीने का एक्सपेंस है उस हर लेवल पे हारमोनी को समझना और हर लेवल पे हारमोनी को जी पाना, ये राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है। तो जैसे अगर ठीक से मैं अपने आप को देखूं तो मेरा जीना अपने विचारों में हो ही रहा है, तो अगर मैं ठीक से देखूं तो सबसे ज्यादा मेरा जीना कहाँ बना हुआ है, मेरे परिवार में या मेरे अपने विचारों में। तो ठीक से देखूं तो मेरा जो सबसे ज्यादा जीना है वो ना मेरे कॉलेज में है, ना ही सोसाइटी में है, ना मेरे परिवार में, सबसे ज्यादा तो मैं अपने अंदर जीता हूँ, अपने आप के साथ जीता हूँ। तो अपने आप को समझना, परिवार को समझना, समाज को समझना, इस कुदरत को समझना, इस पूरी एग्जिस्टेंस को समझना, ये राइट अंडरस्टैंडिंग का कंटेंट है, ये एजुकेशन का कंटेंट है। इतना अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे इंश्योर कर दें फिर उसको जीने में भी प्रैक्टिस करवाना है बच्चे को, कि बच्चा उसके संस्कार भी तैयार कर सके अपने अंदर, ताकि बच्चा ये जो राइट अंडरस्टैंडिंग को समझा, ये जो हारमोनी को समझा, इस हारमोनी को वो जी भी सके दूसरे लोगों के साथ भी और नेचर के साथ भी। तो अंडरस्टैंडिंग एक काम है और उसकी प्रैक्टिस और उसको जीने में होना, उसके संस्कारों में होना, ये दूसरा काम है। तो अंडरस्टैंडिंग और लिविंग, एजुकेशन और संस्कार, इन दोनों को ही इंश्योर करना है एजुकेशन में, इतना काम है। तो अगर ठीक से देखें इसका इम्प्लीकेशन ये है कि राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हारमोनी इन द ह्यूमन बीइंग, इन फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस, एंड जब रिलेशनशिप में जीने जाएं तो जस्टिस की फीलिंग के साथ भी अपने परिवार में जी सके, है ना, जिससे आउटकम आ सके म्यूचुअल हैप्पीनेस, ताकि मेरे परिवार के लोग, मैं भी खुश हो सकूं, वो भी खुश हो। तो कितना इसको एक्सपेंड करना है, जस्टिस की फीलिंग को कितना एक्सपेंड करना है, फ्रॉम माई ओन फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली,
लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी। फिर राइट फीलिंग के राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, जस्टिस के साथ, जब हम इस पूरे नेचर के लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस लार्जर ऑर्डर के अंदर हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसका एक्सपेंशन कितना है, फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। तो अपने परिवार में भी एक ऑर्डर हो, एक व्यवस्था हो, एक संगीत हो, और वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर के में भी हम पार्टिसिपेट कर पाए, जिससे कि जो हमारा गोल है कंटिन्यूस हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी का, वो फुलफिल हो सके। अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एक बहुत ही ओवर आर्चिंग गोल लग सकता है, लेकिन मैं जब तक पूरा अखंड समाज अनडिवाइडेड सोसाइटी हो जाए तब तक, है ना, मैं काम करता रहूंगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मेरे अंदर ही हो जाए। अगर मैं इस मानसिकता के साथ जीने लग जाता हूँ तो कम से कम मेरे लिए तो अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग हो ही गया। जो करने का काम है अपने अंदर जो करना है वो तो राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करना है, जो बाहर जीना है तो वो तो अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के माइंडसेट के साथ जीना है। तो अपने अंदर जो सबसे फाइनेस्ट अचीवमेंट है वो तो राइट अंडरस्टैंडिंग है। जो बाहर अचीवमेंट है वो क्या है, अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के माइंडसेट के साथ मैं जी सकूं, पार्टिसिपेट कर सकूं। तो इतना करने वाला काम है। तो पूरी वर्कशॉप में जो है हम लोग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, इन फैमिली, सोसाइटी, नेचर, इस सारे को समझने का काम करेंगे। और जो प्रोसेस है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है, जांच परख का प्रोसेस है और सेल्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। ये कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बताएंगे, ये कोई शुड एंड शुड नॉट नहीं बताएंगे। आप इसकी जांच परख करें, इसको आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। और जो डिजायर्ड अचीवमेंट्स हैं इस पूरे कॉन्टेंट से, वो तो ये है कि एक तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनेबल हो सके, कि हम राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जी सकें, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के साथ भी जी सकें, इतने की क्लैरिटी हो जाए, ये तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन होने का स्वरूप क्या है, तो ह्यूमन सोसाइटी का स्वरूप क्या है, उसकी भी क्लैरिटी हो जाए, उसका भी ब्लूप्रिंट हमें समझ में आ जाए। तो वर्कशॉप का कंटेंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ माय बीइंग, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू फैमिली टू सोसाइटी नेचर एग्जिस्टेंस। प्रोसेस क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन। डिजायर्ड अचीवमेंट क्या है, तो दो, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की क्लैरिटी और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की क्लैरिटी। तो इतनी बात मुझे लगता है इस सेशन में कहनी थी मुझे। अगर उपासना दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूँ, अगर दो तीन क्वेश्चन ले सकें इस पूरी बात को क्लोज करने के हिसाब से।